वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रो केमिकल स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रो केमिकल स्टॉक की बात की जाए तो 73.40 पे रिसेंटली ट्रेडिंग करा है यहाँ पे MRPL स्टॉक, यानी कि 60 पैसे की गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिले। टोटल 0.82% की गिरावट देखने को मिले MRPL स्टॉक के अंदर। तो देख सकते कि आज ओपन होते ही गिराव स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी, पर प्रीवियस जो क्लोजिंग थी उसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया MRPL स्टॉक के लिए और वही से एक तेजी से साथ यहाँ पे देखने को मिली थी बाइंग साइड में। पर ऊपर 76 लेवल पे रिजिस्टेंस लगते फिर गिराव स्टॉक के अंदर देखने को मिले, यही सुबह सुबह एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। तो देखा जाए तो देख सकते कि मार्केट कैप जो है यहाँ पे MRPL स्टॉक का 12.86,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशियो है 2.18 का, जो कि अच्छा खासा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो पिछले 5 दिनों के ऊपर नजर डाली जाए तो पिछले 5 दिनों में देख सकते 1.54% की गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। आज के दिन का वॉल्यूम भी देख सकते हो 54 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। ट्रेडेड वैल्यू जो है 4,015 लाख की है। तो बाइंग के लिए 5,50,000 क्वांटिटी पेंडिंग है, तो सेलिंग के लिए 10 लाख से ज़्यादा क्वांटिटी पेंडिंग दिखाई दे रहे हैं। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते 51 लाख में से टोटल 21 लाख क्वांटिटी जो है डिलीवरी के लिए जा चुके, टोटल 41% क्वांटिटी जो है डिलीवरी के लिए जाते हुए नजर आ चुके हैं। तो चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो चार्ट में भी देख सकते बहुत सी चॉपिंग मूवमेंट देखने को मिले। आज फिर से 76 लेवल पर रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ चुका है मैंगलोर रिफाइनरी स्टॉक, यानी कि MRPL स्टॉक। जब तक 76 टू 78 लेवल जो है ब्रेक नहीं होती तब तक तेजी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि 77.75 है मंथली प्यू टैप पे देखने को मिला है फिर से एक बार MRPL स्टॉक के लिए। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट MRPL स्टॉक के लिए।